भाई अभी जहाँ पे खाना खा रहा था ना वहाँ पर मेरा बैग छूट गया था। ये आएंगे मेरे पास या नहीं? नेचर पार्क में एंट्री करने वाला है। अभी तक किसी को सब्सक्राइब नहीं किया ये। हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं पोंटस गुरुद्वारे में रुका हूँ। यह गुरुद्वारा सिखों की 10वीं गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया। यमुना नदी का गुरुद्वारे के सामने से शांत बहना यहाँ का एक अलग ही चमत्कार है। इसके बाद मैं यहाँ का स्वादिष्ट लंगर खाता हूँ और एक रात यहीं पर रुककर अगले दिन सुबह यहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकलता ही कि मुझे अच्छे लोग मिल जाए और लिफ्ट के लिए वेट ही करता हूँ कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान होती है जो मुझे सीधे चंडीगढ़ के लिए मिल जाती है। वो मुझे जल्द ही लगभग 2 घंटे में चंडीगढ़ उतार देता है जहाँ पर मैं छोटी सी और क्यूट सी फैमिली से मिलता हूँ जिसके साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है। बहुत ही स्वीट फैमिली है, इसी रीजन के कारण मैंने सोचा कि एक और छोटी सी क्लिप बनाई जाए सबके साथ। और ये ही इज द स्केटिंग बॉय, मैंने यार इसकी वीडियो देखी है स्केटिंग करते हुए, सुपर्ब स्केटिंग करता है बंदा। और सुपर्ब बॉय, तो गिव मी 5 फॉर योर स्केटिंग। ओके हाय, अरे आप आ जाओ ना मेरे पास। ओके ये तो हमारा है अभी। अच्छा अच्छा अपना नाम बता दो, अपना नाम तो बता दो। ओके क्या नाम बताओ? अधर। अधर, ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सर आप व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? इंटीरियर एक्सटीरियर वर्क। ओके सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू नाइस मीटिंग यू। ओके अरे लीजिए कोई बात नहीं, थैंक यू। तो अभी गन्ने का रस भी है फैमिली के साथ ही सबके। फिर क्या था, मुझे याद आता है कि मुझे तो आगे जाना है, मैं इनसे भी लोगों को बाय बोलता हूं और ट्रक वाले भैया के साथ बिलासपुर के लिए निकलता ही हूं कि मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं आता। और फिर वही होता है, 2 से 3 घंटे के जाम के बाद फाइनली मैं बिलासपुर में पहुंच जाता हूं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं एक्चुअली बिलासपुर से अब निकल रहा हूं। मैं बिलासपुर में पीछे की तरफ आप देख रहे हो गुरुद्वारे में रुका हुआ था और अब बिलासपुर से मैं मनाली की साइड जा रहा हूं। और सीरियसली यार, मतलब इंडिया में इतना आसान है ना बिना पैसे के घूमना, वो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं बिलासपुर तक आ गया हूँ, आप खुद ही सोचो, मनाली यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के करीब है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये लगती है कि मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं ना, या तो आप ये कह सकते हो कि वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं उनसे ना हमेशा अपनी उनकी पॉजिटिव वाइब लेता रहता हूँ, तो बहुत सही लगता है यार। सर्कल इतनी अच्छी क्यूट सी फैमिली मिली एक, वो बहुत सही फैमिली थी, उनके साथ जूस वूस पिया। फिर एक ट्रक वाले भैया मिले, वो बहुत सही मिले, मतलब इतना सही मिल रहा है ना, बहुत सही मज़ा आ रहा है मेरे को इस जर्नी में। तो मैं ऐसे ही, आप मेरे साथ बने रहो। सुबह का नाश्ता हो रहा है और सीरियसली बोलूँ तो मैं तो भूल ही गया था नाश्ता करना। मुझे याद आया कि हाँ यार सुबह का नाश्ता भी तो करना है, तो मैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पर रुक गया हूँ। यार मैं अभी बिलासपुर में था और बिलासपुर से एक बाईपास पड़ता है लगभग 8 किलोमीटर पहले मनाली जाने के लिए, तो ज़्यादातर सभी लोग ना उधर से ही निकलते हैं। तो मैं बिलासपुर में रुकने के लिए आ गया था तो मैं उसी बाईपास पे जा रहा हूँ और लिफ्ट बहुत देर से नहीं मिल रही थी तो भाई ने रोक लिया है मेरे लिए और मुझे छोड़ के आ रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। भाई अभी जहाँ पे खाना खा रहा था ना वहाँ पर मेरा बैग छूट गया था और भाई ने मुझे बाहर तक के लिए लिफ्ट भी दी थी बाईपास तक के लिए और वापस लेके आया मेरे को मेरे बैग के लिए। बहुत बहुत थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा बैग मिल गया मुझे वापस। और इसी बैग में ना सब चार्जर वगैरह है यार चार्ज करने के लिए। भाई अभी तो बिलासपुर में घूम रहा हूँ, एक बस लिफ्ट मिली थी, 4-way lane जाने का रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है ये, है ना। अब मैं इधर से ही पैदल पैदल जा रहा हूँ, देखो बहुत छोटा सा रास्ता है तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद एक 4-way lane आएगा जो मनाली तक का रास्ता है, वहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश की जाएगी, वैसे तो मिल ही जाएगी लिफ्ट मुझे पता है। हाय एवरीवन, आप लोगों को पता ही है कि मैं बिलासपुर से निकल चुका हूँ और सर ने मुझे लिफ्ट दी। सर की एक बहुत क्यूट सी फैमिली है, उसमें 2 बेबीज़ हैं, एक बॉय एंड एक गर्ल। और सर ने मुझे बताया रास्ता कि मनाली का रास्ता यही है, मैं 4-way lane पर बिल्कुल सही जगह पहुँचा हूँ, यहीं से मुझे मनाली के लिए रास्ता मिलने वाला है। सर आप क्या करते हैं? सर मेरा अपना कंप्यूटर हार्डवेयर का शॉप है। ओके
कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क की इंजीनियर हूँ। अरे वाओ सर वाओ, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो आप लोग अभी इधर ही जाने वाले हो? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं मनाली साइड जा रहा हूँ तो मुझे तो यहीं से सही रहेगा ना। ओके, थैंक यू, बाय बेटा। सर ने गाड़ी रोक ली है। थैंक यू सो मच सर गाड़ी रोकने के लिए। फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है मनाली के लिए और सर और मैम मेरे साथ हैं। हेलो सर, हेलो मैम, हाय, कैसे भाई आप? क्या नाम है आपका? आरव शर्मा। अच्छा आरव शर्मा, ओके आरव, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सर, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं ना मनाली के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मणिकर्ण के लिए उतर गया हूँ और मणिकर्ण जा रहा हूँ मैं। अब मणिकर्ण में ना एक हॉट वाटर पूल है, वो देखना है मेरे को, क्योंकि अभी सर ने बताया मेरे को, जो जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, कि मणिकर्ण में वो पानी हमेशा खुद ही गर्म रहता है, तो वो तो मुझे देखना है। और वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, तो आज रात वहीं पर स्टे करेंगे और कल मनाली और लेह लद्दाख के लिए कल निकल जाएंगे। ये चौक है, वो वाला रास्ता अपना मनाली जाने का है उधर से, और ये अपना मणिकर्ण जाने का है रास्ता। आपको पता है मैं मणिकर्ण जा रहा हूँ और ऐसे में मुझे यहाँ के लोकल बंदे मिल गए हैं जो मुझे भी बताने वाले हैं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कि कौन कौन सी चीज़ देखनी चाहिए। और कसोल भी है, वो मणिकर्ण से पहले ही है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो चलो मिलते हैं उन सब से। तो आप लोग सब यहीं से ही हैं? ओके, आपसे मिलके अच्छा लगा। ओ आपने तो ट्रेडिशनल कैप भी लगा लिया है, बहुत बढ़िया। कुल्लू की शान। ओ कुल्लू की शान बोलते हैं इसको। ओ फूल के साथ, क्या बात है यार। ओके तो आप मुझे बताएंगे हम लोग, मुझे अभी कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए मेरे को? मणिकर्ण सारे एरिया ही घूमने लायक, बहुत अच्छा व्यू है। अच्छा, और कसोल में क्या क्या है घूमने का? कसोल वैसे ही ऐसे नेचर पार्क बन चुका है न्यू, मतलब। हाँ ट्रिप विद सनी। और कसोल से मुझे ट्रैकिंग करना पड़ेगा, मतलब पैदल जाना पड़ेगा, या मुझे लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी वहाँ से मणिकर्ण के लिए? मणिकर्ण के लिए भाई लिफ्टें तो चली ही होती है वैसे, लिफ्टें मणिकर्ण के लिए गाड़ी वाले चले ही होते हैं मतलब। ओके, और मणिकर्ण कितनी दूर है? मणिकर्ण ज़्यादा दूर नहीं है भाई, ज़्यादा एक डेढ़ किलोमीटर बस। फिर तो वॉकिंग डिस्टेंस है यार। और गुरुद्वारे से कितनी दूर है? नहीं, गुरुद्वारा मणिकर्ण एक टच में, सब एक ही जगह है। और रे यार, आप लोगों से सच में मिलके बढ़िया लगा भाई, गिव मी फाइव, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो दोस्तों मुझे मणिकर्ण के लिए लिफ्ट मिल गई है, तो आप मणिकर्ण जा रहे हो सर, और सर ने मुझे लिफ्ट दे दी है। अभी मैं ना कसोल उतरने वाला हूँ, कसोल में जो चीजें घूमने की है वो घूमने के बाद मैं मणिकर्ण निकल जाऊंगा। इससे पार नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक है इसकी कैपेसिटी, तो ये तो रेड पार कर रहा है भाई। ब्लास्ट होने से बच गया, मतलब खतरनाक था यार भाई, गर्म हो रही है पूरी। उसका टेम्परेचर कम होने तक तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, जब तक उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा था तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और भाई मैं तो नहीं बढ़ूंगा सही में, आई लव माई लाइफ। और वैसे भी अब तो और ज़्यादा अच्छी हो गई है लाइफ, इस लाइफ को जीने के लिए तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के आया हूँ, तो मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक उसका इंजन बंद हो के वो रुक ना जाए, उसका टेम्परेचर सुई नीचे ना आ जाए, तब तक तो आगे नहीं बढ़ना है। भाई कसोल में हूँ, कितना सुंदर है यार कसोल, और देखो मेरे पीछे वाटर पूल है भी, मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मतलब हिमाचल में इतना सुंदर शहर भी होगा कोई। नाइस यार, बहुत सही जगह आया हूँ। ओ हाय, बहुत ही सही जगह आया हूँ यार, और इतनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, मस्त। अभी हम लोग ना तो अभी नेचर पार्क देखेंगे, वहीं पर बैग रख के थोड़ा सा ठीक करेंगे, देखेंगे कैसा है। ओ सुपर्ब है यार, ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, मतलब सब कुछ इतना सही लग रहा है ना, ऊपर से यहाँ का इन्वायरमेंट इतना सही है, बहुत मस्त है।
मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है सच में। तो ये अपना नेचर पार्क है और अभी हम लोग नेचर पार्क में एंट्री करने वाले हैं। हेलो मैम, कहाँ करवाना चाहेंगे? जहाँ भी आपको अच्छा लगे, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ सारी चीज़ें अच्छी लग रही है देखने के बाद। ओके, एक्चुअली एक मैम है जिनके पास खरगोश हैं और वो इतने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे। तो मैंने उनसे बोला है कि चलो मैम शूट करते हैं, फिर डोंट माइंड, है ना। तो अभी हम खरगोश के साथ शूट करने वाले हैं। ये आपने पाले हुए मैम? अच्छा, आपका बेबी है? नहीं, भांजी है मेरी। अच्छा, मैम की लड़की? नहीं, मेरी वाइफ है ये, उनकी लड़की है, बच्ची नहीं माना है। ओह अच्छा, सिस्टर की लड़की है। अच्छा, ओ वाओ, आ जाओ मेरे को, ये पकड़ लो, ये आएंगे मेरे पास या नहीं पता नहीं, अभी इनके ऊपर डिपेंड है। बिस्किट खाएंगे ये? तो भी हम लोग पूल देखने वाले हैं, वाटर पूल है यहाँ पे भाई, बहुत सही है यार, ये क्या सही बनाया हुआ है इन लोगों ने, ये देखो। और ये प्योर वाटर पूल बनाया हुआ है, मतलब गंगा का पानी है या जो भी जौन सी भी नदी आ रही है ये वही है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने ऑल इंडिया ट्रैवल के लिए निकला हूँ विदाउट मनी, तो सबको पता है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो उसके कारण यहाँ पर 30 रुपये का एक टिकट होता है अंदर आने के लिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने मुझे अलाउ किया बस वन टाइम के लिए कि मैं अंदर आके देख सकता हूँ अपना, सारी चीज़ें घूम सकता हूँ मैं, और मैं बैग भी अपना लेके आ गया हूँ। और देखो यार क्या सही पूल है यहाँ पे, देखो सब लोग कितने मज़े कर रहे हैं, चिल आउट यार, क्या सही है ये भाई। यार इस तरह की चीज़ें ना आपको हिमाचल में ही देखने को मिल सकती है, और तो कहीं मिलेगी नहीं। तो फाइनली मैं अब आ गया हूँ और वाटर पूल में एंजॉय करने वाला हूँ। थोड़ा सा लगभग मैं यहाँ पे आधा घंटा गुजारने वाला हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं गुजारूँगा, और उसके बाद मैं मणिकर्ण का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर रुकूँगा। मगर आप यार देखो चारों तरफ देखो मेरा कितना बढ़िया बनाया हुआ है, मतलब एक अलग ही मज़ा आ रहा है इसमें, और सामने तो वो गंगा बह रही है। और ये अपना वाटर पूल है, मैं भी अपना बैग वैग रखने के बाद एंजॉय करने वाला हूँ अंदर की तरफ। चलो फिर मस्ती करते हैं। भाई सुकून तो है यहाँ पे सच में, मतलब मैंने अपना बैग वैग रखा और उसके बाद मैं बैठा और जो वाटर की आवाज़ आ रही ना मेरे कानों तक, फैबलेस, मतलब इतना सही लग रहा है सारा कुछ, बहुत सही है। मतलब यही वाली लाइफ जीने के लिए मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ, और बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही लग रहा है सच में। मतलब यहाँ की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी, क्योंकि पार्क नहीं है यार, ये नेचर पार्क तो इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है इसको, बहुत ज़बरदस्त। पूरा घूमने वाले हैं हम लोग, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से ट्रैवलिंग कर रहा था, सुबह से निकला हूँ, और अपनी वॉइस पावर को और मेडिटेशन को फिर से रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिटेशन हमेशा करता ही हूँ। चलो ना, नेचर पार्क में बहुत ही सही लोग मिल चुके हैं जो एडवोकेट हैं, फादर एंड सन दोनों। सनी है ना आपके? ओके, और आप कहाँ से हैं सर? फ्रॉम लुधियाना। ओके, लुधियाना से हैं आप? आज ही हम आए हैं यहाँ पे, आज ही आप आए हैं, कुछ घंटे पहले।
और आपसे मिलके सच में अच्छा लगा सर, गिव मी फाइव। ओके बड़ी, थैंक यू सो मच। और भाई मिल गए हैं मेरे को जिन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है, क्योंकि मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ और लेह लद्दाख के लिए इन्होंने मुझे एक एडवाइस दी है कि रोहतांग नहीं छोड़ना है। तो भाई मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सच में रोहतांग मैं सीरियसली नहीं छोड़ने वाला हूँ। और सीरियसली आपने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। और भाई थोड़ा कैमरे से शाय है, बट इनको थोड़ा सा सही कर देते हैं, कैमरा इनको फोटोजेनिक कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, रियली थैंक यू, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जम्मू और कश्मीर के लिए भी और लेह लद्दाख के लिए भी। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। यार यहाँ की जो मेन ब्यूटी है ना वो है पार्वती नदी, वो उधर साइड में बह रही है, मैं भी वहाँ पे आपको लेके जाऊँगा। ऊपर से यहाँ पर जो पेड़ है ना वो सब बहुत ही सही तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मुझे मिल गए हैं मेरे कुछ दोस्त जो मुझे बोल रहे थे कि हम लोग शूट कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला कि चलो मैं आपके साथ शूट करता हूँ। आप कहाँ से हो? मैं ग्वालियर से हूँ। ओ ग्वालियर से आप? या तो ग्वालियर से यहाँ पर? हाँ मैं ग्वालियर से यहाँ पर आया हूँ ट्रिप के लिए, बाकी मैं रहता बैंगलोर में हूँ। अच्छा आप बैंगलोर में रहते हो? ओके तो अच्छा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके तो भाई की पॉजिटिव वाइब्स मुझे ले लेनी चाहिए, मुझे पता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी कम है, लोगों से मिल रहा हूँ तो पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास बढ़ती जा रही है, बट भाई की तो लेनी बनती है यार। चलो ठीक है भाई, अब मैं नेचर का थोड़ा सा और मज़ा लेते हैं और पार्वती नदी को करीब से देखते हैं थोड़ा सा। ट्रिप विद सनी, थैंक यू सो मच। और ये देखो ये पार्वती नदी है भाई, एक अलग ही मज़ा है यहाँ का सच में। पार्वती नदी और इतनी तेज जो इसकी आवाज़ आ रही है ना मेरे को कानों में पार्वती नदी को, वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभा रही है। हाँ बाय बाय, थैंक यू। दिस इज़ द प्लेस जो मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है नेचर पार्क के अंदर। मैं नेचर पार्क में हूँ और सब लोगों के लिए ये नेचर पार्क हो सकता है, बट मेरे लिए कुछ और ही है, क्योंकि मुझे नेचर से हमेशा प्यार रहा है, तो ये चीज़ एक अलग ही मज़ा है। और इसी बीच दो लोग मेरे सामने आ गए हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है शायद, आई डोंट नो, बट ये लोग कह रहे हैं कि देखी है शायद इन्होंने मेरी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू मैम। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं, हम सब ट्रैक करके आ गए, आज हम सोचे थे कसौल में घूमेंगे तो घूम रहे। कसौल इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। या रियली इट्स टू ब्यूटीफुल एंड द पीपल आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली यहाँ पे। ओ अच्छा हाँ, ये मेरे लिए नहीं था। ये ओवरऑल था। ओके ये मेरे लिए नहीं था। मुझे लगा मेरे लिए था, मैं थैंक यू कह रहा था। बट सीरियसली मुझे मजा आया यार, यू बोथ आर ना बेस्ट, रियली आर बेस्ट। थैंक यू नाइस मीटिंग यू। दोस्तों मैं ना नेचर पार्क में भी बैठा ही हुआ था और दो बहुत ही फंटेस्टिक बंदे मेरे पास आए और उन्होंने कहा एक छोटा सा शूट करते हैं आपके साथ। तो एक तो सर है, सर आप कहाँ से हो? और दूसरे ये हैं पंजाब से, जलंधर। पंजाब से, जलंधर से। ओके आप पंजाब जलंधर से हो? हाँ जी। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हो? हाँ जी। हाँ जी आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। दोस्तों इस जगह को इज़राइल भी कहा जाता है, मिनी इज़राइल। तो ये मिनी इज़राइल पर मैं हूँ अभी और यू नो दैट कि सब कुछ बड़ा कूल है, बहुत ही मस्त है सब। ये देखो पेड़ों को इन्होंने कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। भाई नेचर पार्क से निकल रहे हैं, निकलने के पहले ही कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं इंडिया के, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि मुझे हमेशा से ही अच्छे लोग मिलते हैं। ओके तो किड्स भी इनके साथ है, सब लोग साथ में? आप लोग सब लुधियाना से? एक्चुअली मॉर्निंग से मुझे लुधियाना से ही लोग मिल रहे हैं, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी है यहाँ तक पहुँचाया वो भी लुधियाना से ही थे, तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।
बढ़िया। तो हम छोड़ भी देंगे लुधियाना। नहीं एक्चुअली मैं भी मणिकर्ण जा रहा हूँ, मैं आज वहीं पे रुकने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी जरूरत पड़ जाए लुधियाना तो हम हाजिर हैं। थैंक यू, बड़े दिल वाले पंजाबी हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों से सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। ओके बच्चों आप लोगों से भी। तो मेरे चैनल का नाम है ट्रिप विद सनी, सब्सक्राइब। वाओ क्या एनर्जी है आप लोगों में सब में। हे एवरीवन, मैं मणिकर्ण गुरुद्वारा पहुंच चुका हूं, आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूं। और सीरियसली मुझे भाई मिला है और मैम इन्होंने मुझे देखा और रोकने के बाद पूछने लगे कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, आप ब्लॉगर हो या नहीं, ये सब चीज़ें पूछ रहे थे। तो मुझे सच में आप लोगों का बिहेव बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अरे थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल का नाम है ट्रिप विद सनी। भाई सभी लोग सब्सक्राइब करना भाई को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपको मस्त करेगा। हम भी अभी ब्लॉगिंग के देखने करेंगे, अभी तक किसी को सब्सक्राइब नहीं किया, ये पहला भाई है जिसका हम सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ओके दोस्तों, लाइट नहीं है और मैं अब आ चुका हूँ मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा, और अभी गुरुद्वारे में ही जा रहा हूँ।